हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, ये वाले वीडियो में आपको पोकेमॉन के मैं ब्रांड न्यू टॉप 3 गेम्स बताने वाला हूं। उनमें से कोई गेम अभी नहीं रिलीज हुए हैं, लेकिन ये सब गेम आप खेलोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और उसमें एक बार ये सब ब्लू डिवाइस यानी 2 GB रैम में चलेगा। बस फर्स्ट गेम है जो 3 GB रैम वाले फोन में, आप उससे ऊपर वाले फोन में चल सकते हैं, तो 2 GB रैम वाले सॉरी गाइस, लेकिन आपके लिए दो गेम ये बहुत सही जो आपके फोन में चल सकते हैं। तो इसमें से 1 GB गेम भी है, बहुत गेम आप खेलोगे तो बहुत अच्छे से गेम है। और जो फर्स्ट गेम है हमारी जो पोजीशन में आते हैं वो एकदम बेहतरीन गेम है। और ये जो भी 3 गेम बताऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब रैंक के हिसाब से आता है, तो पहला गेम बहुत गजब है। तो सबसे हम तीसरे गेम की बात कर लेते हैं, तो तीसरे गेम में कुछ नहीं, आपको प्ले स्टोर में डायरेक्ट में लेके बता देता हूँ। तो ये गेम भी बहुत अच्छा सा पॉपुलर है, इसके 10 मिनट प्लस डाउनलोडर है, 4.2 रिव्यूज है, रिव्यूज काफ़ी इसके ज़्यादा है। और एम बी की बहुत अच्छी 15 MB है, इसके ग्राफिक्स पर डबे डबे माइनक्राफ्ट जैसे गेम में बहुत कुछ है। देखिए मैं पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी गेम है, आप देख सकते हैं सब माइनक्राफ्ट जैसे वो डबे डबे वाली आ सकते हैं। आप इसे क्यों डेकोरेट कर सकते हो, पोकेमॉन फाइट भी कर सकते हो इस गेम में, बहुत अच्छे अच्छे गेम है। तो एक बस ये गेम इसके एम पी भी चाहिए है और ये गेम के रिव्यूज भी अच्छे खासे हैं। बस ये गेम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, और तीनों गेम की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाली दूंगा, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं या उस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से गेम है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे गेम की तरफ, तीसरे गेम की तरफ यानी फर्स्ट रैंक के गेम की तरफ। ये तो सेकंड रैंक में पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू को तो आ नहीं था, वो भी 2 GB गेम है, तो बहुत अच्छा है। सिर्फ 34 MB का, 32-34 MB के आसपास का गेम है। उसके मैं डायरेक्ट मीडिया फायर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं हमारे फर्स्ट गेम में। तो कैसे आप कुछ देख सकते हैं कि कुछ स्क्रीन शॉट्स गेम भी और गेट्स को इंटरैक्ट, जो गेम भी बहुत अच्छा ही है। क्रोजॉन निंटेंडो 3DS के लिए, तो लेकिन आप इसे सेफ्टी में मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड, मेरी अगली वीडियो में इसको अच्छे तरीके से डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। सबसे नहीं डाउनलोड कर पाता क्योंकि इसमें बहुत सारी छंझट होती है, तो मैं आपको डाल दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस गेम को कैसे डाउनलोड करना है वो भी सीखा दूँगा। मैं सब नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। इस गेम को सबसे 2 GB से रैम अपर वाले फोन चाहिए, यानी 3 GB रैम मिनिमम, 3 GB रैम वाले फोन चाहिए। 3 GB रैम में हल्का फुल्का अच्छे से लेकिन बहुत सही चलेगा, क्योंकि निंटेंडो 3DS गेम है, तो इसे बहुत अच्छे से आप इस सीरियल में इसे चला सकते हैं फोन में। अगर आप बात करें रीजन डब्ल्यू डब्ल्यू वाले रीजन में ठीक है, और इसका रीजन दिखा रही हूँ, ये गेम बहुत पावर तो पुराना है, 8 साल पुराना, लेकिन गेम अभी भी अपने रैंक पे बेजोड़ है। स्क्रीन शॉट्स में आप देख सकते हैं, और इसमें आपको
सीजर 40 थी और अभी सीजर 40 हमारे संतावन में आने वाला है, उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके मेरे कमेंट में रख देना, सीजर कब आएगा, मतलब वो हमारा पोकेमॉन का वो जो सीजन है कब आएगा वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है हंगामा की तरफ से, यानी बिजली की तरफ से उनका भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उसको आएगा। और नाम तो आई तो नाम, लेकिन सीजन को सीजन 14 वाला ही होने वाला है, तो सीजन 14 का ही देने से सीजन 14 का जो मेन फीचर में था वो भी आ सकता है, तो यानी सीजन 14 में कल से जब ब्लैक एंड व्हाइट सीजन बहुत अच्छी बात है, उसका गेम भी आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट हमारे हंगामा टी वी पर जल्दी ही आएगा, एक हाथ इसके आखिरी आखिरी आ जाएगा। तो कहीं बस आज का वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में और बैकग्राउंड नॉइज की सॉरी अगर आ गई है तो कोई बात नहीं होता, इस आज का वीडियो में अच्छा लगे कमेंट में बता देना, और ये जो फर्स्ट ही पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू का जीबी वर्जन और फर्स्ट गेम का आपको मैं लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप पोकेमॉन क्विज को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, तो भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूँ, और ये तीसरे गेम की लिंक मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, यानी आज ही मैं वाली वीडियो को भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और तुरंत मैं हो सके तो आज ही दोनों, यानी आज ही मैं दोनों क्या बोलते हैं दोनों वीडियोज़ को आज ही मैं डाल दूंगा, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। और आपको अगर दूसरी प्रॉब्लम पहले अभी मतलब देर में आप देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करके मत रहना, वीडियो भी देखना, और अच्छा नहीं लगता तो टॉपिक में बता देना किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।